वक्तव्य भी दे दिया और बाकी आपके 10 कार्यकर्ता एक पहुंच गए, हम तो उसे बंद कर देंगे ना, हमें क्या है, लेकिन ये कि उससे पॉपुलरिटी सर मिल जाएगी। कर सकते हैं तो सर मुझे एक सीधा बता दीजिए, या मेरे को दो चार दिन बाद आप आने का बता दीजिए, आप पूरा बताइए कि पूछ ये मेरा खर्चा आ रहा है, तुम इतना कर दो, तो सर मैं पूरा करके फिर उसके बाद उसको प्लान कर देता हूँ सर। नहीं एक बार वहाँ के हमारे प्रेसिडेंट हैं बेंगलोर के, बेंगलोर के वो भी बहुत स्ट्रांग है, आपसे परिचय हो गया? मेरा सर परिचय लास्ट बस पाटिल साहब से था, आपके साथ रहते थे। नहीं बहुत स्ट्रांग है वो, एक वकील साहब थे आपके पास साथ, एक जो बेंगलोर हाई कोर्ट में गलत कर रहे थे। हाँ हाँ टाइम भी तो सर बहुत हो गया। हाँ नहीं अभी वो हमारे सिटी प्रेसिडेंट है ना वेरी स्ट्रांग, अभी क्या नाम बसंत जी, हाँ उनके ऊपर ये है वारंट है। अच्छा उन्होंने शायद आपके ऊपर जैसे हमला हुआ उन्होंने भी पलट के कुछ किया था। हाँ मेरे साथ ही था वो। अच्छा मेरे साथ ही था तो अभी आज मुझे लगता आज एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए, मिल गया होगा उनका भी सर, आज नहीं मिलेगा तो सो मंडे तो उधर उनका ऑफ जा रहा है, उनका भी मोबाइल ऑफ जा रहा है। हाँ वो नहीं अभी अंडरग्राउंड है तो सर उनसे बात करेंगे पहले, वो उनसे बात करके आप और मैं वो तीनों बैठकर प्लान करेंगे क्या क्या करना है। ठीक है प्लान करके आप करें, डेफिनेट करेंगे। सर आपको चेक से पेमेंट चलेगा कि कैश चलेगा? देखो देखिए चल रहा है कहीं वैसे भी उनके आपने पार्टी का अकाउंट बनाया है करके। हाँ मैं अब श्रीराम सर का बैंक अकाउंट है। क्या है मैं बताता हूँ, वैसे सर ऐसे मामलों में कैश ही ठीक है। हाँ ऐसी चीजों में क्योंकि हमारी तरफ से सर कोई नहीं होगा, मतलब कोई केस हम तो क्योंकि यह तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एक तो वहाँ हो जाए क्या नाम ये शिवाजी नगर में और एक मैंगलोर में, दो जगह कर लेते हैं सर, आप मुझे दोनों जगह का खर्चा कर सकते हैं, बेंगलोर तो कर सकते हैं मंगलोर में भी कर सकते हैं लेकिन